गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो. दिस इज मंजुला सिंह ब्यूटी एक्सपर्ट. और दो दिनों तक अपने बालों के साथ मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट रिफ्रेश किया हल्का सा एसेंशियल ऑयल के साथ. उसका मैंने रेसिपी आपको बता दिया, उसका तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है. आज मैं अपने बालों को बहुत ही एक लाइट ट्रीटमेंट देने जा रही हूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव. तो हेयरफॉल हो या ना हो, मैं अपने बालों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती हूँ, कुछ ऐसा प्री कंडीशनर यूज करती हूँ जिससे कि मेरे बाल सेफ रहते हैं, हेल्दी दिखते हैं और खूबसूरत भी दिखते हैं. तो इसके लिए आज मैं यूज करने जा रही हूँ एक प्री कंडीशनर, एक हेयर स्प्रे में बनाऊंगी ग्रीन टी से. ग्रीन टी मुझे कितना पसंद है ये बात तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा. यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया है कि ग्रीन टी वाला जो रेमेडी मैंने बहुत पहले बताया है उसका बहुत ही ज्यादा फायदा उन्हें हुआ है. तो यहाँ तक इससे न सिर्फ आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, हेयर ग्रोथ भी होगा, आपके बाल जो लेंथ है वो बढ़ने का स्पीड जो भी है आपका उससे काफी इंप्रूव करेगा, और साथ ही साथ आपका हेयर रीग्रोथ भी होगा. बालों को सेफ रखता है हेयर फॉल से, बल्कि आप पिछले दिनों में अगर आपका हेयर फॉल हुआ है तो बालों की रीग्रोथ भी हो जाएगी. इसको किस तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आप देख के सोचेंगे ये तो 5 मिनट का काम है. तो ये रहा ग्रीन टी का ये स्प्रे बालों को सेफ रखने के लिए. यहाँ तक रेनी सीजन में बता दूं कि बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें मैं बालों में यूज नहीं कर पाती जो अक्सर मैं समर्स में और विंटर में करती हूँ. तो ये ग्रीन टी का जो ये स्प्रे है, प्री कंडीशनर है, ये मैं मंथ में कम से कम 4 बार यूज करती हूँ, क्योंकि रेनी सीजन में मेरे भी हेयर फॉल होते हैं तो मुझे डर लगता है, तो मैं पहले से इसको लगाना शुरू कर देती हूँ और ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह मेरे बालों के लिए काम करता है. तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसे मैं आज यूज करने जा रही हूँ और इसके बाद मैं शैम्पू करूंगी. तो मैं अब बताती हूँ इसको किस तरह से बनाते हैं. तो आज मेरे शैम्पू करने का डे है, मैं बालों को बहुत ही हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दूंगी. तो जिसके लिए मैं क्या यूज करने जा रही हूँ वो मैं बता देती हूँ. एक हेयर स्प्रे, हेयर मास्क, इनफैक्ट लिक्विड हेयर मास्क है. तो इसके लिए देखिए, ये मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर और वाटर का ये मिक्सचर है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाया है, बाकी वाटर है. और इसके साथ मैं क्या ऐड करूंगी, ये देखिए, ये ग्रीन टी है जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. तो मैंने 1/2 कप पानी लिया है, उसमें 1 ग्रीन टी का सैशे लिया है और इसका ये कॉन्कॉक्शन तैयार है. इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी और अपने बालों को हेयर रूट से लेके पूरा लेंथ वाइज मैं अप्लाई करूंगी. 1 घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूंगी. तो ये तक गर्म पानी में ये डाल के आप छोड़ चुके हों, उसके बाद इसको हटा दीजिए अच्छी तरह से निचोड़ कर. ग्रीन टी के बारे में खूबी बता दूं कि ये आपका एक होल पैकेज है. ये न सिर्फ आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, साथ ही साथ हेयर रीग्रोथ में भी आपकी हेल्प करता है. मैं अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि मेरे रेनी सीजन में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, तो मैं इसी से कंट्रोल करती हूं और उसके बाद मेरे हेयर का रीग्रोथ भी हो जाता है. इसमें हम दोनों को मिला देंगे. ये हमने दोनों को मिला दिया है, ये हम कैप को बंद कर देंगे. ये हमने मिक्स कर दिया दोनों को. ये देखिए, हमारा एक हेयर स्प्रे रेडी हो गया. एक चीज आपने इतने दिनों में गौर किया होगा कि मैं कंडीशनर बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, पोस्ट कंडीशनर मैं अवॉइड करती हूँ और मैं प्री कंडीशनर यूज करना प्रेफर करती हूँ, जिसमें कि हेयर ऑयल हो सकता है या फिर कोई हेयर मास्क हो सकता है या फिर इस तरह का कोई हेयर स्प्रे हो सकता है. क्योंकि अगर हेयर कंडीशनर का यूज प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाए तो वो आपके बेनिफिट की जगह आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है. हेयर रूट्स में अगर लग जाए तो बाल ऑयली हो सकते हैं, क्लॉग्ड पोर्स की कंप्लेन हो सकती है और हेयर फॉल हो सकता है. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि प्री कंडीशनर ही यूज करूँ. ये जितनी भी चीजें मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ सबके बेनिफिट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके देख सकते हैं जिसका डिटेल जिसके बारे में मैंने लिखा होता है. तो देखा आपने, ये कितना आसान था बनाना और इसको बनाने में 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे. ग्रीन टी सबके घर में होता है. मैं जो भी चीजें यूज करती हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगी, वहां से आप खरीद सकते हैं. पूरे मंथ या 2 मंथ के लिए आप आराम से घर में बनाकर रख सकते हैं. तो ये बनाना आसान है, साथ ही साथ इसको सेफ रखना भी बहुत ही ज्यादा आसान है. इसको आप फ्रिज में आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं. इसको आप किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता दूं. इस तरह से ये स्प्रे लीजिए, आप अपने हेयर रूट से लेकर हेयर लेंथ तक, पूरा लंबाई तक, जहां तक जितने भी आपके लंबे बाल हैं, कोशिश करें ये बालों को रूट से टिप तक इसको लगाना, क्योंकि इसका जो काम है वो आपके हेयर रूट्स किस्से के साथ साथ हेयर लेंथ पे भी काम करेगा. कई बाल ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं और उनका ब्रेकेज की शिकायत होती है. कई लोग कहते हैं कि बाल जड़ों से तो टूटते हैं, बीच बीच से भी टूटते हैं. तो ये ग्रीन टी आपको सेफ करेगा. ये ग्रीन टी का जो स्प्रे है वो आपके बालों को सेफ रखेगा ब्रेकेज से. एक बार इसको लगाकर देखिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका फायदा देखकर आप खुद ही इसको अपने हेयर के रेजी में शामिल करेंगे. होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियोस. टेक केयर एंड बाय बाय.